दोस्तों, अब क्रिकेट भी जेंटल गेम नहीं रहा। बीच मैदान पर दो क्रिकेटर भिड़े, बहुत बुरी बुरी गाली गलौज की, यहाँ तक कि हाथापाई पर भी दोनों आ गए। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं वो कौन दो क्रिकेटर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेले जा रहे मुकाबले में नाइट राइडर के बल्लेबाज नीतीश राणा और मुंबई के गेंदबाज ऋतिक सोकेन दोनों बीच मैदान में भिड़ गए और इस कदर भिड़े कि वहां पर तीन चार और दूसरे क्रिकेटर को दोनों के बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। और साफ स्पष्ट आप देख सकते थे दोनों क्रिकेटर एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, यहां तक कि एक वक्त सिचुएशन दोनों की हाथापाई की भी आ गई थी। लेकिन वो तो शुक्र हो सूर्य कुमार यादव का जिसने इस मामले को किसी तरीके रफा दफा किया। और ऐसा नहीं है कि मुंबई का ये गेंदबाज और नीतीश राणा जो कोलकाता की कप्तानी कर रहे हैं पहली बार मैदान पर खड़े हों, दोनों दिल्ली के लिए होम टीम के लिए खेलते हैं और अक्सर दोनों के बीच मैदान पर हाथापाई गाली गलौज के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं, लेकिन ये क्रिकेट के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं।